दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार का एक नया कार्ड जारी है। दोस्तों इस कार्ड से काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। और आप इस कार्ड से आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हो, अगर आपका आयुष्मान भारत योजना के लिस्ट में नाम नहीं है तब, और इस कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इस कार्ड का नाम क्या है, तो इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को फुल देखो अगर पूरी जानकारी समझना चाहते हो। अगर वीडियो हाफ देखोगे बाद में मत कमेंट करके बताना कि भाई आपने फेक वीडियोस बनाई, फेक नॉलेज दी। दोस्तों यहाँ पर कोई भी फेक वीडियोस नहीं आती, जो भी जानकारी होती है वो सही होती है। मैं चेक करके ही बाद में वीडियोस बनाता हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो सके और आपको भविष्य में आगे चल लाभ मिल सके। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको दोस्तों इसी प्रकार का कॉन्टैक्ट मिलता रहता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं इस कार्ड का फ़ायदे क्या हैं। देखिए दोस्तों इस कार्ड का नाम है वैसे कार्ड जिसे हम लोग डिजिटल हेल्थ कार्ड भी बोलते हैं। यह कार्ड सरकार काफ़ी दिनों से पहले बनवा रही है, लेकिन नया मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है और काफ़ी लोगों को इसके फ़ायदे वगैरह और नहीं पता है, और कुछ लोगों को पता भी है तो वो लोग सोच रहे हैं कि इस कार्ड से हम आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएं। तो मैं आपको फ़ायदे भी बताऊँगा और इस कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनेगा नहीं बनेगा वो भी बताऊँगा। पहले बात कर लेते हैं इस कार्ड के फ़ायदे क्या हैं। देखिए दोस्तों इस कार्ड के फ़ायदे यहाँ पर ये हैं। अगर डिजिटल हेल्थ कार्ड आप ये बना लोगे तो जैसे आप कहीं पर मेडिसिन से लेने जाते हो, कहीं पर ट्रीटमेंट करवाते हो, तो वहाँ पर आपको पर्चा वगैरह मिलता है। पर्चा वगैरह मिलने के बाद आप दोबारा फिर दवाई लेने जाते हो तो फिर से पर्चा लेकर साथ जाना पड़ता है, फिर दवाइयाँ मिलती हैं। लेकिन जब डिजिटल हेल्थ कार्ड आपका बन जाएगा, आभा कार्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, तब आपका पर्चा वगैरह का झंझट खत्म हो जाएगा। जब भी जाओगे तो इसी कार्ड में आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। या फिर से दोबारा आप मेडिसिन से लेने जाओगे तो वहाँ पर आपका आभा नंबर डालकर वो देख लेंगे कि पिछली बार आपको दवाई कौन सी दी गई थी, इस बार आपको दवाई वही देनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपको जो है आभा कार्ड काम करेगा। यही फ़ायदे हैं आपको भी और सामने वाला जो डॉक्टर है उसको भी फ़ायदे हैं। तो पर्चा वगैरह का झंझट खत्म हो जाएगा, जिसे हम लोग आभा कार्ड भी बोलते हैं। अब मुद्दा आता है कि आभा कार्ड जो ABH नंबर होता है, इस ABH नंबर से हम आयुष्मान कार्ड को कैसे बना सकते हैं जिसका आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में नाम नहीं है। तो इस ABH नंबर से आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। आयुष्मान कार्ड सबका नहीं बनता है। आयुष्मान कार्ड की कुछ टर्म एंड कंडीशन है। ऐसे अगर आपका आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में नाम पाया जाता है, 2011 में अगर जनगणना आपने करवाई होगी तो आपका नाम आता होगा और आपको सरकार के द्वारा 5 लाख का प्रति वर्ष में उपचार मिलेगा। बट अगर आपका नाम लिस्ट में नाम नहीं है तो दो तरीके उस बना पाओगे। एक तो अगर आप एक शिविर मजदूर लेबर हो, आपके पास लेबर कार्ड बना हुआ है पुराना 2020 से पहले का, तब आप लेबर कार्ड से आयुष्मान कार्ड को बनवा सकते हो। या फिर आपके पास लाल वाला राशन कार्ड है, अंत्योदय राशन कार्ड है, तो आप उसके जरिए अपने जो PMJY कार्ड होता है मतलब आयुष्मान कार्ड, इसको बनवा सकते हो। यही तीन तरीके हैं। और बात करूँ ABH नंबर से कार्ड बन जाएगा तो ABH नंबर से आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। आभा कार्ड सबका बन जाता है और आयुष्मान कार्ड सबका नहीं बनता है। कुछ टर्म एंड कंडीशन मैंने इसलिए बता दिए हैं, कुछ समझ में आ गया होगा। आयुष्मान कार्ड के फ़ायदे अलग होते हैं और आभा कार्ड के फ़ायदे अलग होते हैं। आभा कार्ड से आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा और आप आभा कार्ड को बनवा लो। आभा कार्ड के जो फ़ायदे होते हैं मैंने बता ही दिया है। बाकी आप आभा कार्ड बनवा सकते हो बिल्कुल फ्री में। कैसे बनाना मैं वीडियोस बना चुका हूँ, इसके कोई पैसा वगैरह लगता नहीं है। जो फ़ायदे थे मैंने बता ही दिए हैं। कोई डाउट्स को भी करूँगा ना आपको वीडियोस में लग रहा है तो आप नीचे कमेंट रखना, जरूर कमेंट करके बताना। ये भी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।